नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि कमोडिटी बाजार में आगे किस कमोडिटी की चाल आगे कैसी रहेगी, आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी और लेवल्स क्या रहेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सोने चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो चमक है पिछले दो तीन दिन से थोड़ी फीकी पड़ी है, ज़्यादा कुछ खास तेजी मंदी के साथ सोने चांदी में कारोबार देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमने सुबह वाले लेवल्स बनते हुए देखे थे सोने चांदी की कीमतों में, अब भी देख रहे हो ठीक वही वाले लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में। ना ही ज़्यादा मंदी बनती नजर आ रही है, ना ही ज़्यादा तेजी, एक सीमित दायरे में सोने चांदी में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। देख रहे हैं इस समय इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना $1928 पर है और चांदी $24.60 पर। वहीं चांदी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 66,500 पर ट्रेड कर रही है और जो सोना है वो 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर में तेजी, रुपया कमज़ोर होने से और यूएस ट्रेजरी यील्ड में तेजी आने से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना है। बात करेंगे यहाँ सब कच्चे तेल की। कच्चे तेल में देख रहे हैं जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, प्राइसेस थोड़े रिवाइव हुए हैं क्रूड के। आज WTI $104 पर है 1.25% की तेजी के साथ, वहीं ब्रांड क्रूड ऑयल $108 पर 1% की तेजी के साथ। WTI और ब्रांड क्रूड ऑयल जो सुबह वाले लेवल्स देखने को मिले थे अभी भी दोनों ही उसी लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। क्रूड में ना ही ज़्यादा तेजी, आज तेजी बनी है लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तेजी बन गई है कच्चे तेल के अंदर। आज सीमित थोड़ा सा हल्की सी तेजी बनी है कल के मुकाबले, लेकिन हाँ तेजी ज़रूर बनी है। अभी तेजी बनी क्यों है ये डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका ने बोल तो दिया है कि अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि क्या अमेरिका जो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा तो क्या वो जो उत्पादन बढ़ेगा वो पूरी दुनिया की सप्लाई करने के लिए, पूरी दुनिया की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। दूसरा, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है जिससे कच्चे तेल की जो खपत है वहाँ से कम देखने को मिली है, तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का तो ये कारण है। लेकिन तेजी आने का कारण ये है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी वो टलती जा रही है, उस पर नए अपडेट्स निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। बातचीत होती है लेकिन कोई डिसीजन नहीं आता है। फिर दूसरा ये भी है कि ओपेक ने अभी तक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं कही है कि ओपेक प्रोडक्शन अपना कच्चे तेल का बढ़ा देगा। दूसरा, सऊदी ने एशिया के लिए क्रूड लाइट की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है। अब एशिया को सऊदी के जो कच्चा तेल होगा, जो क्रूड लाइट होगा, वो महंगा मिलेगा। इससे आज कच्चे तेल का जो बाज़ार है थोड़ा हल्का बढ़ा है। दूसरा, कजाकिस्तान से जो कजाकिस्तान में कच्चे तेल की जो कह सकते हैं प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री है, वो थोड़ी गिरी है जिसकी वजह से कच्चा तेल आज उठा है। तो कच्चे तेल में अगर आज तेजी वाले फंडामेंटल्स बनते नजर आए हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। इसकी वजह से ना ही कच्चा तेल ना ही ज़्यादा नीचे गिरा है, ना ही ज़्यादा ऊपर उठा है, एक मीडियम रेंज में ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ से अब बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज हमने कॉपर में अच्छी तेजी आते हुए देखी है, $4.8 पर है कॉपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, 1% की बढ़त है। वहीं जिंक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है, 1.5% की तेजी जिंक में बनती नजर आ रही है। वहीं निकल 2525 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेड में मामूली सी करेक्शन है, 185 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। चाइना में लॉकडाउन की वजह से बेस मेटल्स की जो कंजप्शन है उसमें थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स में हमने एक हल्की नरमी आते हुए देखी थी। आपको बता दें कि जितनी भी नरमी बेस मेटल्स में देखने को मिली है वो सबसे ज़्यादा इनके कम स्टॉक के रहने की वजह से, कम इन्वेंट्रीज की वजह से देखने को मिली है। दूसरा, अब जब रशिया यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसका भी असर कहीं ना कहीं बेस मेटल्स की कीमतों पर पड़ता नजर आया और इसी के अकॉर्डिंग अभी मार्केट एक्ट करती नजर आ रही है और आगे भी ऐसी एक्ट करती नजर आएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेस मेटल्स में कुल मिलाकर ओवरऑल तेजी वाला ही रुझान है। बेस मेटल्स में आगे अभी और तेजी बनती नजर आ सकती है, फंडामेंटल्स बेस मेटल्स के स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जानेंगे कि कृषि फसलों में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे मैंथा ऑयल से। तो MCX पर मैंथा ऑयल में हमने सुबह के कारोबारी सत्र में तेजी बनते हुए देखी थी, 1150 के ऊपर कीमतें निकली थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि शाम होते होते मैंथा ऑयल की जो प्राइसेस हैं MCX पर उनमें कुछ नरमी देखने को मिली है।
अब प्रॉफिट बुकिंग बनी है मैंथा में ऊपरी स्तरों से, देख रहे हैं कि ये मैंथा के जो प्राइजेज हैं 1119 पर ट्रेड कर रहे हैं, 0.2% की गिरावट के साथ अप्रैल वायदा। वहीं मैंथा ऑयल का मई वायदा 1132 पर ट्रेड कर रहा है 0.25% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि मैंथा ऑयल में ऊपरी स्तरों से आज मुनाफा वसूली बनी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का अभी भी यही मानना है कि मैंथा का जो आउटलुक है आगे पॉजिटिव ही है, मैंथा के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। मैंथा की बुआई इस बार काफ़ी कम है, जहाँ पे मैंथा की बुआई कम है तो वहीं मैंथा की जो डिमांड है वो भी अभी भी थोड़ी कम ही देखने को मिल रही है। मैंथा का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो कम रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है थोड़ी बहुत वो हल्की सी कम है। लेकिन जानकारों का यही मानना है कि मैंथा में आगे जाके तेजी ज़रूर बन सकती है, और जैसे हमने 1150 के लेवल आते हुए देखे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैंथा में अभी भी 1150 से लेकर 1200 तक के लेवल्स अभी भी मैंथा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंथा में तेजी वाला ही रुझान देखने को आगे भी मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ से अब M6 कॉटन की। तो कॉटन की कीमतों में हमने विदेशी बाजार में तेजी बनते हुए देखी है, उसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखा है। कीमतें नीचे में 36,000-35,000 से फिर से रिवाइव हुई हैं और 43,000 तक जाती नजर आई हैं। आज फिर से जो कीमतें हैं 43,000 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। M6 कॉटन की 1.25% की बढ़त है अप्रैल और मई वायदा दोनों के अंदर। अब एक्सपर्ट्स यहां से बता रहे हैं कि कॉटन की जो कीमतें हैं अगला लेवल 45,000 का दिखाएगी, उसके बाद 47,000 तक के लेवल्स कॉटन की कीमतों में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। जिस हिसाब से विदेशों में कॉटन की जो क्रॉप है इस बार कम है, डोमेस्टिक लेवल पर भी इस बार कॉटन क्रॉप कम ही नज़र आ रही है, और जो डिमांड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से कॉटन के जो प्राइसेस हैं उनमें आगे पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ से अब NCDX कमोडिटीज़ की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैस्टर सीड से। तो कैस्टर में हमने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है, हालांकि अभी भी कैसर ने अप्रैल वायदा में 7,350 का हाई लगाया हुआ है, 1.5% से ज़्यादा की करेक्शन है। जानकारों को अभी भी यही उम्मीद है कि कैसर में तेजी देखने को मिल सकती है। कैसर सीड 7500 के बाद 8,000 तक के लेवल्स यहां से अभी भी दिखा सकता है। कैसर के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मंडियों में कैसर की आवकें आ रही हैं अभी, और चाइना की तरफ से कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है, तो इसकी वजह से कैस्टर सीड में थोड़ी सी नरमी बनती नज़र आई है। और फिर दूसरा, कैस्टर सीड काफ़ी समय से ऊपरी स्तर पर सीमित दायर में ट्रेड कर रहा था, तो निवेशकों को कमाने का मौका नहीं मिला था। तो जैसे ही कीमतें 7,800 और 7,500 हुई, निवेशकों ने मुनाफा वसूली कर ली, इसकी वजह से कैस्टर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर से लेवल 7,200 तक आ गए। लेकिन ओवरऑल रुझान कैस्टर में तेजी वाला ही रहने वाला है। बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल वही अपने सुस्ती के साथ 3100 से 3200 के लेवल्स पर आ गई है। जानकार तो यही बता रहे हैं कि बिनौला खल में ऊपरी स्तरों पर उठाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फंडामेंटली साइड से देखा जाए तो फंडामेंटल्स बिनौला खल में अभी तक ऐसे नज़र नहीं आए हैं जो बिनौला खल की कीमतों को नेगेटिव यानी कि गिरावट की ओर लेके जाए, क्योंकि बिनौला खल ऐसा उत्पाद है, ऐसा पदार्थ है जो पशुओं में दूध के फैट की मात्रा को बढ़ाता है, दूध की मात्रा को बढ़ाता है, और इस बार मिल्क प्रोडक्शन कम है, दूध के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं कॉटन के बिनौला खल के प्राइसेस पर ज़रूर पड़ता नज़र आएगा। दूसरा, कॉटन महंगी हुई है तो उसका भी जो असर है कहीं ना कहीं बिनौला खल के प्राइसेस पर पड़ता नज़र आ सकता है। जानकारों के मुताबिक बिनौला खल अभी भी 3400 से 3500 का लेवल टच करता नज़र आ सकता है। बात करेंगे अब यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में हमने ऊपरी स्तरों से हल्की सी नरमी आते हुए देखी है, लेकिन प्राइसेस अभी भी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। ग्वार गम ने 13,000 का लेवल टच कर लिया था, वहीं ग्वार सीड ने 6,600-6,700 के लेवल्स दिखा दिए थे। जानकारों के मुताबिक ग्वार गम अब यहाँ से आगे जाके फंडामेंटल तो स्ट्रांग है ही, और जब से क्रूड महंगा हुआ है अमेरिका में और पूरे विश्व भर में, और अमेरिका ने क्रूड का जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, तब से गम के जो प्राइसेज हैं, ग्वार गम के जो प्राइसेज हैं उनमें लगातार तेजी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब यहां से ग्वार गम 14,500 से लेकर 15,000 के लेवल दिखा सकता है, वहीं ग्वार सीड लंबी अवधि में 8,000 तक कारोबार करता नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर जो रुझान है ग्वार गम ग्वार सीड में वो भी तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करेंगे यहां से अब मसालों की। तो मसालों की कीमतों में हमने शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखा है। मसालों में देख रहे हैं कि धनिया 12,000
700 के ऊपर है। 6% की आज धनी में देख रहे हैं कि 6% का ऊपरी सर्किट लगा है। धनी में काफ़ी शानदार तेजी आई है। फंडामेंटली साइड तो धनिया तेज ही है, लेकिन मार्च का महीना अराइवल्स वाला रहता है। दूसरा, एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से हमने कीमतों पर प्रेशर बनता देखा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव धनी के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। वहीं जीरे देख रहे हैं कि जीरे का अप्रैल वायदा 23,195 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जीरे की कीमतों में 3.5% की बढ़त है। वहीं मई वायदा 23,500 के बेहद करीब है। जीरे में देख रहे हैं कि जीरे में भी शानदार बढ़त बनती नजर आ रही है। फंडामेंटली साइड से जीरा भी मजबूत है। हल्दी की बात करें तो हल्दी 9,600 के ऊपर है, 9,700 के ऊपर का ही लगा चुकी है। 4% का ऊपरी सर्किट हल्दी में भी बनता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि मसालों की कीमतों में शॉर्ट कवरिंग मूव ठीक ठाक देखने को मिला है। जोरदार तेजी मसालों में बनती नजर आ रही है। कुछ जानकारों का तो ये मानना है कि मसालों में आगे जाके तो तेजी का ही रुझान है लंबी अवधि में, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद अभी मसालों में यहाँ पर कुछ नरमी बन सकती है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी अपनानी चाहिए। तेजी आ रही है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, लेकिन जो तेजी बननी चाहिए थी, जब बननी चाहिए थी, अभी वो इतनी तेजी का समय नहीं आया है। ये एक महज शॉर्ट कवरिंग मूव है, तो इसमें निवेशकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बात करेंगे यहां से अब सोयाबीन की। तो यूएस सोयाबीन की कीमतों में हमने 1600-1700 के ऊपर के लेवल देखे थे, जब इनिशियल डेज में रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। 1756 तक प्राइसेस गए थे, 1756 का हाई लगा था $1756 का। उसके बाद फिर कीमतें धीरे धीरे नीचे होती गई, कीमतों में नरमी आई, जैसे ऐसे पी स्टॉक्स हुए, फिर $1600 पर ट्रेड किया। फिर कल के कारोबारी सत्र में हमने कीमतों को 1500 के लेवल्स पर भी जाते हुए देखा था। एक ही दिन के अंदर $40 से $50 की नरमी बन गई थी, लेकिन आज कीमतों ने फिर से रिवाइव दिया है। फिर से जो कमबैक हुई है कीमतें सोयाबीन की, जिस हिसाब से उस हिसाब से लग रहा है कि अब सोयाबीन समेत जो बाकी के तेल तिलहन है, खासकर की विदेशों के अंदर, क्योंकि भारत जो है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशों को फॉलो करता है, और विदेश इस समय विदेशों के अंदर जो तेल तिलहन का जो बाजार है वो क्रूड के प्राइसेस को फॉलो कर रहा है। आज हमने कच्चे तेल में तेजी बनते देखी, तो सोयाबीन का भी जो बाजार है वो भी तेज हो गया। अब कच्चे तेल और तेल तिलहन में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। क्रूड से ईंधन बनता है, और ईंधन महंगा है इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। अब इसकी बजाय जो कम्युनिटीज से बने हुए ईंधन है, उसकी मांग है मार्केट्स के अंदर, और उस पर बायोडीजल फ्यूल पर काम भी किया जा रहा है कई देशों में, भारत में भी किया जा रहा है, एथेनॉल और बायोडीजल फ्यूल अलग अलग। तो जब जब कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इसका सपोर्ट CPO को मिलता है, कच्चे पाम तेल का सपोर्ट रिफाइंड को, रिफाइंड का सपोर्ट सोयाबीन को। ऐसे ऐसे एक सप्लाई चेन बनी हुई है, ऐसे के चेन मैनेजमेंट बना हुआ है। तो जब जब कच्चे तेल में तेजी आती है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता है। ठीक ऐसा ही वाइस वर्सा, कच्चे तेल में जब नरमी आती है, तो खाद्य तेलों में भी इसका असर कहीं ना कहीं छुटमुट गिरावट के तौर पर देखने को मिलता है। तो कच्चे तेल की कीमतों को भी फॉलोअप कर रही है विदेशी कीमतें, और भारत में भी यही ट्रेंड फॉलोअप होता नजर आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल साइड से सोयाबीन इस बार स्ट्रांग है। मंडियों में भी ठीक ठाक रेट्स देखने को मिल चुके थे, लेकिन किसानों ने अब जो दाम में सुस्ती आई थी विदेशी बाजारों के चलते, फिर से स्टॉक करने का बना लिया है और फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वहीं एक और अपडेट देना चाहेंगे आपको सोयाबीन से जुड़ा हुआ। अमेरिका में 2022-23 के विपणन वर्ष में रिकॉर्ड बुवाई और रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है, जिससे अब ये जो नया ईयर चालू होगा सितंबर अगस्त का अमेरिका में, तो अमेरिका में जब रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहेगा, रिकॉर्ड बुआई रहेगी, रिकॉर्ड उत्पादन रहेगा, तो उससे अमेरिका ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, ज़्यादा सप्लाई रह पाएगी। तो जो सोयाबीन की जो टाइट सप्लाई है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और एक और अपडेट देना है ऑयल सीड से जुड़ा हुआ। ये ऑयल सीड्स यानी तेल तिलहन में इतनी तेजी देखने को मिली है बाकी फसलों के मुकाबले, अब ऐसे में हर कोई चाहेगा कि ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो हो सकता है, अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल तिलहन की जो बुवाई है साल 2022-23 में, वो साल 2021-22 के मुकाबले और ज़्यादा रिकॉर्ड देखने को मिले, क्योंकि
बाकी फसलों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली, बाकी कमोडिटीज में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी ऑयल पैक में देखने को मिली है, एडिबल ऑयल पैक में। तो ऑयल सीड्स का जो रकबा है बढ़ सकता है इस बार, अमेरिका में तो बढ़ने का अनुमान दे दिया गया है, भारत में भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।